पाकिस्तान में एक मौलाना की सरेआम हत्या हुई है। मौलाना आदिल की गोली मारकर हत्या की गई है। कराची में हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी दुनिया के सामने आ चुका है। हमलावरों ने मौलाना के ड्राइवर को भी गोली मार दी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। कराची में बीच बाजार सरे राह एक मौलाना की हत्या कर दी गई। और कराची में मौलाना की हत्या पर इमरान खान ने क्या झूठ बोला है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बड़ी खबर यही है, शिया सुन्नी की लड़ाई पर इमरान खान का झूठ। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान में एंटी शिया प्रोटेस्ट चल रहे थे और शिया सुन्नी समुदाय के बीच खाई चौड़ा करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब सारा ठीकरा इमरान खान हिंदुस्तान पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। इमरान खान दरअसल खुद पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहे और शिया सुन्नी में जबरदस्त खूनी संघर्ष उनके मुल्क में जारी है और कार्रवाई की जगह वो भारत पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। और इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं इस्लामाबाद का। कस्वर अब्बास वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कस्वर, ये बताइए, जब कराची की सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा होकर एंटी शिया प्रोटेस्ट कर रहा था, शियों को खुलेआम धमकी दी जा रही थी, तब सरकार चुप बैठे देखती रही। अब एक मौलाना की हत्या हुई है और हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे इमरान खान। समीर, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये सिर्फ कराची में इस प्रोटेस्ट नहीं होते रहे, ये पूरे पाकिस्तान में होते रहे, ये करेक्शन हो गई। और दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस वक्त खामोश होती हैं, उनको पहले पता होना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं। आपको याद होगा क्वेटा में ये जो शिया हजारा के का एक जीनोसाइड हुआ है, वहां पे स्टेट बिल्कुल खामोश रही मुजरमाना तौर पर। और अब जब के एक सुन्नी क्लैरिक का कत्ल होता है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि कराची जैसे शहर में मार्केट के अंदर होता है तो ये पुलिस के ऊपर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहले बहुत पाकिस्तान एक मरकज रहा है शिया और सुन्नी फसादात का, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज थी। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 6-7 सालों में इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमी आई है, लेकिन ये पिछले जिस आपने बताया कि 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं, बल्कि पिछले महीने से कि ये फिर एंटी शिया प्रोटेस्ट और एंटी शिया बिल्कुल बिल्कुल शिया और सुन्नी समुदाय के बीच खाई जो है वो और चौड़ी होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान में, और इसका नतीजा है सुन्नी मौलाना की हत्या, लेकिन इमरान खान इसका ठीकरा हिंदुस्तान के सिर फोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कस्बर इस जानकारी के। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।